8 लग चुकी है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पहली बार गाँव में इतना टाइम लग रहा है। पानी देखिए कितना ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर। लोग अभी जस्ट ट्रैफिक जाम से निकले हैं और इधर से रास्ता है जाने का क्या घूम के? इधर से आ रहा लगता है। और यहाँ पे पेड़ गिर गया है देखिए बीच रोड पर। सो दोस्तों मैं हूँ मनीष द्विवेदी और आप देख रहे हैं ट्रिप डायरी। आज मैं निकला हूँ गोवा के लिए बिकॉज मुझे इस बार नरकासुर देखना था। नरकासुर इज द एफिजी जो पुतले रहते हैं और जो कि मैंने सुना है कि उनको ना जो भी आपका वेस्ट मटेरियल रहता है ना उससे बनाते हैं और जगह जगह कंपटीशन भी होता है। अभी गोवा में तूफान के टॉरेंशियल स्टॉर्म जो है उसकी भी चेतावनी दी गई है। मैं रात को लगभग 1 बजे निकला था। एज आई से ऑलवेज कि मैं रात को ड्राइव करना पसंद करता हूँ बिकॉज टोल टैक्स पर आपको ट्रैफिक कम मिलता है और साथ ही में हाईवे पे भी ट्रैफिक कम होता है और उतना आप कवर कर पाते हो। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, बट लेकिन आपको प्रॉपर नींद करके निकलना चाहिए। बट समा एड्रेनलिन रश के कारण मेरे को उस टाइम पे नींद नहीं आती है। सो सरप्राइजिंगली जब मैं निकला था उसके पहले तक पुणे में बहुत बारिश हुई थी बट अभी बारिश बिल्कुल नहीं मिली है मेरे को, एक बूंद बारिश नहीं मिली जब से मेरे को, विच इज़ गुड। देखते हैं, होप सो गोवा में भी ऐसा ही रहे ताकि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। दोस्तों मैं यूजुअली चोरला घाट से ही जाना पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है पुणे से उसका गोवा के लिए, बट क्योंकि हाईवे लंबा लगता है तो जल्दी कवर भी हो जाता है। तो चलिए आगे का रास्ता देखते हैं कि कैसा है। दोस्तों अब यहाँ मेरे को बारिश मिली है लगभग 180 किलोमीटर के बाद और अब लग रहा है कि कंटिन्यू ही रहेगी। देखते हैं कैसा रहता है। मॉर्निंग नाउ एंड वी हैव रीच्ड बेलगाम। हम लोग काफी जल्दी आ गए हैं। तो गाइस कोल्हापुर ऑलमोस्ट व्हिच इज अराउंड 250 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया था लगभग 3.5 घंटे में। एंड इवन दो वी डिडंट ड्राइव सो फास्ट एंड नॉट ऑफ आई देयर वाज नो ट्रैफिक एट ऑल। अभी यहां से 3 से 4 घंटे और बस चोरला घाट आने वाले हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं जामुटी। आप देख सकते हैं पॉटहोल्स रोड पे, रोड की हालत बहुत खराब है। जैसा कि मैंने पहले बोला जब मैं पुणे से निकला था तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी बट बारिश होनी चालू हुई है तो लगातार हो रही है। वो जो राइट साइड से गाड़ी आ रही है हम लोग को उस तरफ जाना है, यहाँ से चोरला घाट स्टार्ट होता है, हम लोग लेफ्ट साइड से आए हैं। तो चलिए देखते हैं चोरला घाट का हालत कैसी है। दिस इज हाउ द चोरला घाट लुक्स लाइक। बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वो तो फिर भी ठीक है, ठीक नहीं काफ़ी अच्छी रोड है, लेकिन आगे जाके लास्ट की जो 15 से 20 किलोमीटर का की रोड थी उसमें इतने ज़्यादा पॉट होल्स थे और बारिश इतनी तेज थी कि लग रहा था कि आप पानी के ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि करंट कंडीशन चोरला घाट की कैसी है रोड की। आप देख सकते हैं यहाँ भी जाम लगा दिया है कुछ लोगों की गलती की वजह से, मतलब इतनी बारिश हो रही है एंड देन दे ऑल्सो वॉन्ट टू ओवरटेक। और पीछे भी यहाँ पे लाइन सबका जाम लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ
few people only. देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं मेरे को। हमको 15 मिनट हो गया है खड़े खड़े, अब देखते हैं कब तक निकलता है। थोड़ा टायरिंग भी हो रहा है, लेट सी। जल्दी खुले जल्दी होटल पहुंचू, मेरे को साउथ गोवा जाना था, बट आई कैंसिल द प्लान बिकॉज इट इज फार फार अवे फ्रॉम हियर एंड आई डोंट वांट टू ड्राइव एनी मोर। अब देखते हैं, अभी भी हॉर्न बजाया जा रहा है, जैसा पीछे भी देख सकता है मेरा पूरा जाम लगे हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की गलती थी जो कि ढंग से गाड़ी नहीं चलाते हैं। और ये कुछ गाड़ियाँ जो लोकल गाड़ियाँ जो आते जाते रहते हैं, उनको पता भी है कि इनको ठीक से चलना चाहिए तो कैसा रहेगा, बट दे आर नॉट विलिंग टू एडजस्ट। एनी वे देखें, ओपन तो हो गई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड पे पूरा पानी भरा हुआ था और गड्ढे तो इतने सारे थे कि क्या बताऊं मैं आपको। एक तो मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है तो मुझे और तकलीफ हो रही थी। ये जो लास्ट के 10 किलोमीटर का पैच था बहुत ही टायरिंग था। चलिए आगे देखते हैं कि ये ख़त्म होने के बाद क्या हुआ। हम लोग अभी जस्ट ट्रैफिक जाम से निकले हैं एंड इधर से रास्ता है जाने का क्या घूम के? और यहाँ पे पेड़ गिर गया है, देखिए बीच रोड पर। दादा भाऊ इधर से रास्ता है क्या जाने का अंदर से? नहीं है, नहीं ये राइट वाला नहीं है। अच्छा ओके। और इस पेड़ को ये भाई लोग अभी हाथ से काट रहे हैं, काट लग चुकी है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पहली बार गाँव में इतना टाइम लग रहा है। पानी देखिए कितना ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर। आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो? आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो? वन आवर। और ये कितना टाइम लगेगा लगभग, क्या बोल रहे हैं अभी? टू आवर्स मोर वीक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि रोड की हालत बहुत ख़राब थी, जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहे थे, कहीं पेड़ गिरे पड़े थे, कहीं बारिश इतनी हो रही थी, कहीं पॉटहोल्स इतने थे कि जो यूजुअली मुझे गोवा पहुंचने में पुणे से 7.5 से 8 घंटे लगता है, मुझे उस दिन 12 घंटे लगे थे, 12 से 12.5 घंटे। और फाइनली लेकिन मैं पहुँच गया था सेफली। ये हालत थी जब गोवा में टोरेंशियल स्टॉर्म्स की चेतावनी दी जा रही थी। अब कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट रोड कंडीशन मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी गए थे, वो बोल रहे थे रोड कंडीशन तो वैसी ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ, अगली बार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रिप डायरी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स।